एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, चंगे भले मस्त होंगे। तो बड़ों को सादा ट्रांसफर, छोटों को ढेर सारा प्यार। और ये पूरा घर में आंधी तूफान बहुत हो गया, बहुत पानी पानी सा हो गया। छत से पानी, मतलब हवा जिधर चलती उधर ही आएगा ना, तो उसी के हिसाब से पूरे टावर से पानी पानी आ गया। मेरे हॉल में, लिविंग रूम में हर जगह पानी पानी हो गया, पूरे धूल मिट्टी हो गए। मैं कहा चलो फटाफट थोड़ा बहुत क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि क्लीन तो बहुत करना पड़ेगा। अभी तो ग्राउंड फ्लोर पे कर रही हूँ, फिर फर्स्ट फ्लोर पे करना पड़ेगा। हर जगह धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो मैं इसीलिए फटाफट साफ़ कर रही हूँ। और कैदरु को आपको दिखाती हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? तो गाइस, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, मई है कि जून है कि जुलाई है। भगवान बहुत प्रकोप में, इंद्र देवता खुश नहीं है। इंद्र देव ने धूप मचा रखी है और ऐसा लग रहा है बैंकेट उड़ के सो जाओ और गरम गरम चाय पकौड़ा कोई लाके। बैंकेट उड़ के सो नहीं जाओ, मतलब अभी 10 बजे है और ऐसा लग रहा है कि सभी के 5 बज रहे हैं, या तो रात हो गई ऐसा लग रहा है, पूरा अंधेरा हो गया और ऐसा लग रहा है 1920 का सीन चल रहा है। इतना भूकंप सब उड़ रहा है, सब चीज उड़ रही है यहाँ पे, सब चीज उड़ रही है। क्या क्या उड़ रहा है? अरे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है कुछ तो भी, रेमो को जिसमें हम खाना देते थे वो उड़ गया। कैसे उसके बताती है गाइस, इतना अंधेरा कि मैं बाहर जाके दिखाने की हिम्मत नहीं हो रही। मतलब ऐसे तूफान रुक जाओ, कोशिश करती 2 सेकंड। ये देखो गाइस, यहाँ तक पानी आ रहा है और मेरी हिम्मत नहीं है मैं जाके दिखाऊं। क्या मौसम में बज रहा है 10 और लग रहा है 6। ये देखो, तो भगवान इंद्र देवता जी प्लीज प्रकोप मत करिए, इतना तांडव मत मचाइए। तो देखा इतना खतरनाक, जिसकी कोई हद नहीं, हिम्मत करके दिखाए। अभी थोड़ा सा कम हुआ है, इससे ज्यादा हो रहा था, कहीं जा नहीं सकते यार। ओए होए। और जब मैं किचन में आई तो यहाँ धूप मचा रखी है ट्विंकल ने। कल रात को आई होगी कुछ लेने के लिए, जब मैं सो गई थी 11:30 के समथिंग की कुछ बात है, तो इसने क्या निकालने लगी फ्रिज से पता नहीं, तो कुछ गिर गया। मतलब दूध और दाल या दही, ऐसा कुछ लिक्विड गिर, दाल तो गिरी है तो 100% है, लेकिन दही या दूध उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रखा है, क्योंकि चिकनाहट से वाइट वाइट सा लगा हुआ है। ये मैं खाऊंगी, भरवा करेला बनाऊंगी, फिर मैं खाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन भरवा करेला पसंद है तो ट्रेन में ये ककड़ी को जब काट के नमक और वो लगा के कुछ देते ना, जो भी लगाते होंगे, बहुत टेस्टी, बहुत यम लगता है। लेकिन ये घर में खाने का मजा नहीं आता, तो मुझे अच्छा लगा था तो ये भी लिया। इसमें नमक, काला ब्लैक पेपर और ब्लैक सॉल्ट लगा के खाऊंगी। ये सारा सब्जी खराब करने में हाथ ट्विंकल का है, क्योंकि ट्विंकल आधी रात को उसे पता नहीं क्या क्या फ्रिज में ढूंढती है। पूरा इस पे दाल गिरा दी, दही गिरा दी, दूध गिरा दी, पूरी सब्जी के अंदर क्या क्या। अच्छा था ये सब कवर था, बच गया। बहुत बेकार है ट्विंकल, ट्विंकल मैं तेरी तारीफ कर रही हूँ कि तूने सब कुछ बर्बाद किया। सब्जी बोरे में सुनाई नहीं दे रहा, गलत काम से कैसे सुनाई देगा उसको, नहीं ले रहा क्योंकि गलती की उसने। 12 बजे रात को आके पता नहीं क्या क्या ढूंढ रही थी, मुझे भी नहीं पता। मैं 11:30 बजे उसको फोन की थी कुछ काम से। अरे यहाँ आके मैडम ने दाल गिरा दी, मैंने फ्रिज में डाला था। मैंने नहीं गिरा। हाँ तो तूने गिराई, तुम्हारा से नहीं गिरा रहा। अपनी गलती तो उसने भी दी रही। चलो गाइस, मैं सब रखती हूँ, क्या बने रहो, जाने बहुत काम है। घर में इतना पानी भर गया, बारिश इतना आंधी तूफान आया, इतनी बारिश आई, कुछ समझ नहीं आ रहा मई है कि जुलाई है। मुनमुन रैम्बो को खाना दे देती हूँ, इनको भूख लगी है। ये बच्चों बहुत परेशान करते हैं, सुबह उठते हैं, इनको ब्रेकफास्ट चाहिए, तो सबसे पहले इनको ब्रेकफास्ट दो। रोटी अगर बना रही हूँ, पराठे बना रही हूँ, तो सबसे पहले इन्हें ही दो, ऐसा है। तो इनको खाना दे रही हूँ और बच्चे फटाफट जो भी काम हो वो निपटाऊँगी। निपटाने के बाद और काम है। काम तो कभी किसी के ख़त्म होने नहीं है, लेकिन ना सबसे पता अच्छा क्या लगता है कि ये जो थोड़े, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब जो मेरे मुनमुन और रैम्बो, पूरे घर को अच्छा, मतलब क्या कहते हैं, खुशनुमा उस तरह से बना रखे रहते हैं। सही में एनिमल ज़रूर हैं, मतलब लेकिन जब पाल लेते हैं ना तो हमें इनसे लगाव हो जाता है, इनकी छोटी छोटी हरकतों से प्यार हो जाता है।
मैं जब नाश्ता या खाना बनाऊँ तो मेरे पैरों के पास आके मुनमुन बैठ जाएगी। रेम्बो अलग तरह के ऐसे मुंह बना के घूर के रखेगा। रेम्बो अगर हमारे पास आएगा प्यार कराने के लिए तो मुनमुन को मतलब जलन से महसूस होगी, वो भी आ जाती कि भाई मुझे भी प्यार करो। मतलब अब मुनमुन को करो तो रेम्बो दूर से घूरता है तो बड़ा अच्छा लगता है, दोनों ना फिर लड़ने लग जाते हैं। तो सही में कहो ना, इंसान हो जाए जानवर हो, लेकिन ना घर में रहें तो भरा भरा लगता है, अच्छा लगता है। हाँ, और ये मौसम से ना इतना मन किया कि चाय बनाने का, तो ये चाय बनाए हमने, चाय पिए, मज़ा लिए, चाय की चुस्की लिए मस्त। बस हाँ, पकौड़े ज़रूर, ये है कि मैंने नहीं बनाया। इस पर ट्विंकल कह रही थी कि आपने गर्म गर्म पकौड़े बनाना था, मिर्ची पकौड़ा, आलू पकौड़े, क्यों नहीं बनाए। मैं कहा भाई नहीं बनाना है, खाना भी है तो खाना भी नहीं खा पाएंगे, और ब्रेकफास्ट हमारा वैसे ऑलरेडी पहले ही थोड़ा बहुत हो गया था, लेकिन चाय पीने की इच्छा हो रही थी। जब मौसम ऐसा होता है तो मेरा मूड बन जाता है और फिर उसमें ट्विंकल स्वीटी तो इंक्लूड हो ही जाते हैं। और मैंने बनाई है करेला जो कहा था, और ये बैगन की सब्ज़ी भी बनाई हूँ। देखो नैना को थोड़ी ग्रेवी सी चाहिए, इसलिए ऐसा बनाना पड़ता है। बहुत लोग को नहीं पसंद है ग्रेवी की सब्ज़ी, आलू बैगन की, तो हमारे घर में ऐसे ही क्या हो रहा है अभी, दाल देख लीजिए और रोटी, चावल भी बनाए, वो को नहीं दिखाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।